बाहर से कुछ लोग लुटेरा बर्गी हमारी दूसरे स्टेट से आके उन्होंने यहाँ पर गुंडागर्दी शुरू कर दिया, क्योंकि वहाँ उसकी स्टेट में जो लोगों को जान माल का नुकसान किया, महिलाओं के ऊपर बलात्कार किया, वहाँ पे चोरी किया, नारदा शारदा सब कुछ करके इतना उन लोगों ने मुंह लुकाने के लिए छुपाने के लिए जगह नहीं है। अभी त्रिपुरा को सॉफ्ट कॉर्नर करके सॉफ्ट मुंह छुपाने के लिए सॉफ्ट टारगेट करके पिछले 2-3 महीनों में अपना मुंह छुपाने के लिए त्रिपुरा में आके बैठा है। त्रिपुरा में उन लोगों को कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन एक आईपैक है, वो एजेंसी है, वो डायरेक्टर है, वो लोग प्रोड्यूसर है, सब मिलके जैसे जैसे पात्रों पात्री को ठीक करते हैं, कैरेक्टर को ठीक करते हैं, ऐसे करके यहाँ पे स्टंट पॉलिटिक्स वो एक्टिंग करने के लिए वो लोग यहाँ पे आए हैं। तो जैसे जैसे बोल रहे ऐसा कर रहे हैं, स्टंट पॉलिटिक्स उन्होंने शुरू किया है। त्रिपुरा का जो अच्छा एक वातावरण है उसको खराब करने के लिए सोचे समझे एक साजिश के तहत वो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। आज हमारे अमित भाई का ऑफिस के सामने भी धरना दिया है। मैं आपके माध्यम से उन लोगों को आह्वान करती हूँ, 99 में जाके हम धरना देंगे, देंगे हमको मौका। धरना बोलने से पहले मर्डर हो जाता है लोग, क्योंकि जितने मर्डर वेस्ट बंगाल में हुआ है, लाखों कार्यकर्ता घर से बाहर है। हमारे इलेक्शन के पहले इलेक्शन के बाद कितने कार्यकर्ता का मर्डर हुआ, लाखों बहनों को इज्जत लूटा है। वहाँ पर जो लोग आया है रेपिस्ट है, गुंडागर्दी करने वाला है, वो गोरु पचरकारी है। उन लोगों ने कैला घोटाला का जो चुरा कर बेचते हैं ना, ऐसा लोग आके त्रिपुरा में ऐसा कर रहे हैं, हम लोगों को गाली देते हैं। कुएं का बैंक जो मेंढक है ना, हम कुएं का मेंढक है। हम लोग प्रधानमंत्री को चूर बोलते हैं, मुख्यमंत्री को चूर बोलते हैं। जो चूर है ना खुद, तो दूसरे को चूरे देखते हैं। और जो व्यक्ति जो अभी मुख्यमंत्री है, पहले दीदी था तो ठीक था, जिस दिन पीसी बन गए ना उस दिन लुटेरा का सरदार बन गए, अभी बोर्गी का सरदार बन गए। हमारे स्टेट में उसका डाल गलने वाला नहीं है। हमारा स्टेट को बदनाम करने के लिए वो काम कर रहे हैं। आप भी मेरे स्टेट के हैं, आपने कभी देखा त्रिपुरा में किसी जगह में किसी मस्जिद में आग लगा है क्या? नहीं लगाया। लेकिन उन लोगों ने आईपैक का लोगों ने साजिश रचा हमारा त्रिपुरा को, हमारा सरकार को, हमारे 30 लाख जनता को बदनाम करने के लिए वो ऐसा काम कर रहे हैं। हम उसको ऐसा होने नहीं देंगे।